हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वी आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एज यू ऑलरेडी नो दैट हमारा ये चैनल हमारा बेसिकली मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के ऊपर है, और बेसिकली हम जो इस चैनल पर डील कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग वी आर डीलिंग विद आईफोन्स। तो अभी तक हम लोगों ने आईफोन 13 से लेके हम लोग पहुँच चुके हैं आईफोन 12, 11, 10 जिसको आईफोन एक्स भी कहते हैं, उसके बाद 8। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईफोन 8 का रिव्यू किया था, और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं रिव्यू आईफोन 7 का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने देखा होगा कि हम लोगों ने इसमें बहुत डिटेल में चीज़ें देखी हैं, रिव्यूज़ देखे हैं ऑडियंस के, जो लोग यूज़र्स हैं इनके, और इनके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी देखी हैं कि किस तरीके से जो है कि अब जो लेटेस्ट फ़ोन हैं आईफोन 13 वगैरह तो वो एडवांस हैं, और बाकी जिस तरह हम लोग पीछे सीरीज़ में जा रहे हैं तो इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं या इनकी स्पेशलिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं या लोअर हो रही हैं। तो आईफोन 7 के हम लोग देखते हैं फीचर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिस वन इज़ गुड, यू कैन सी दिस, अच्छा है ये वाला भी अच्छा है, लेफ्ट वाला दिस वन, ये जो गोल्ड या कुछ इस तरीके का शेप सा है। आफ्टर दैट वी कैन सी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कलर्स हैं, अगेन यू कैन सी यहाँ पे 5 कलर्स हैं, ब्लैक है, ग्रे है, वाइट, और ये गोल्ड सा है, और ये पिंकिश कलर में भी अवेलेबल है। सो लुक वाइज अगेन वही लुक तो आईफोन की तकरीबन सेम है। तो अब हम इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि स्पेसिफिकेशंस की किस तरीके की है। तो इसकी स्क्रीन अब सबसे रिव्यूज़ में अब तक की सबसे स्मॉलेस्ट स्क्रीन इसकी है 4.7 इंचेस की, और 12 मेगापिक्सल कैमरा है, 2GB रैम, और रैम भी इसकी सबसे लोएस्ट अब तक हमारी यही आई है 7 की, और बैटरी भी इसकी कम है, 1960 mAh बैटरी है इसकी, लिथियम की है। खैर तो खैर वही वाली बात है ना कि पहले इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो टाइम के साथ साथ चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो इन चीज़ें इनकी चीज़ें वो हुई हैं इंक्रीज। ओपिनियंस में हम लोग देखते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। आई वॉन्ट अ न्यू फोन बट आई एम ब्रोक, हाँ हाँ, शुड आई गेट आईफोन 7, इज़ इट गुड, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड एंड आई यूज़ माई फ़ोन अलॉट, आई यूज़ माई फ़ोन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड आई नीड फोन दैट्स नॉट लैगी, वो पूछना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, उसके बाद यहाँ पर किसी ने कोई क्वेश्चन किया, बता हाउ मनी आवर्स फ्रॉम 100% टू 0%। खैर इसका थोड़ा लंबा रिव्यू उसको देखकर रीड आउट कर लेते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, व्हाट्स योर बैटरी हेल्थ, इफ़ यू हैव रिसेंटली चेंज योर आईफोन, इट इज़ अ रिकंडीशन फोन एंड मेनी ऑफ देम कम विद बैटरी हेल्थ नियरली 80%, विच इज़ अ बॉर्डरलाइन, इफ़ इट इज़ नॉट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, एज़ सजेस्ट यू हैव अ बैटरी रिप्लेस्ड, इफ़ यू हैव अ नेबरहुड शॉप रिप्लेस इट, बी श्योर टू आस्क इफ इट विल स्टिल शो बैटरी हेल्थ आफ्टर रिप्लेसमेंट, सम नॉन Apple बैटरी स्टिल शो एंड सम विल नॉट एंड यू वॉन्ट द हेल्थ मीटर टू वर्क, ठीक है ना, आप इसको रिप्लेस करवा लें। सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है बैटरी की आईफोन्स की कि अगर कोई इशू है वो कर रही है बैटरी आपकी तो आप उसको रिप्लेस करवा लें। यू मे फाइंड आफ्टर द बैटरी इज रिप्लेस दैट इट्स स्टिल नॉट वॉट यू एक्सपेक्टेड, आई डेंट बट आई बट फाउंड अ बैटरी केस ऑन स्कैम्स ऑन मेड बाय अ कुक होल्ड so called Gen Foxy that has 5000 mAh and has wireless charging. I no longer even think about that I'm going to make it through the day, and when do I need, when I do need to charge I can just place it on my charging pad and not worry about busting the charging port. Khair ye bada lamba sa review tha battery ke related. Uske alawa iPhone working great after 15.4, better to stay up to date. Never buy from China again, will not only buy from Western companies, check who owns them first. Battery is given already for the iPhone, for me it's alright, I always have my 20,000 mAh power bank. So, ये भी एक ऑप्शन है कि पावर बैंक अगर आप यूज़ कर लें तो ये आपका सारा सीन ऑफ हो जाएगा बैटरी का जो भी इशू आता है। खैर ये कुछ इस तरह के रिव्यूज़ से बेसिकली अब तक हमने जितने भी रिव्यूज़ किए हैं तो उसमें आईफोन के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो सबका जो है ना मेन प्रॉब्लम वो बैटरी का ही होता है। तो सबसे अच्छा सजेशन तो मुझे यही लगे अब तक के रिव्यूज़ में कि भाई आप या तो रिप्लेस करवा लें या तो फिर आप एक काम करके जो है पावर बैंक यूज़ करें, जैसे कि लास्ट रिव्यू में बंदे ने लिखा हुआ था। खैर इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, GSM, LCDMA, HSPA, वीडियो और LTE। लॉन्च हुआ था ये 2016 में और स्टेटस इसका डिसकंटिन्यूड हो चुका है। अब डायमेंशन की गए 138.367.1 × 7.1 mm और इंचज़ में 5.44, 2.64 and 0.28 inches. Weight is 138, I think, which is the lightest amongst all. Build क्या है, glass front है, gorilla glass का, और aluminium back है, aluminium frame है। अच्छा इसकी back भी aluminium की है, बाकी phones के जो हमने reviews किए हैं उनकी gorilla back थी latest phones में।
नैनो सी में है IP67 डस्ट वाटर रेजिस्टेंट। खैर, और एप्पल वीज़ा वगैरह भी इसमें चीज़ें हैं, एप्पल पे वीज़ा मास्टर कार्ड। डिस्प्ले में रेटिना IPS LCD है, साइज़ 4.7 इंचज़ है, रेजोल्यूशन 750x133:4 देख सकते हैं। और प्रोटेक्शन में आयरन चैनल ग्लास है, ओलिफोबिक कोटिंग है, वाइट कलर ब्रांड। ये वही चीज़ें हैं जो सेम हैं, ये तकरीबन कॉमन है बाकी चीज़ों में। स्पेस देख सकते हैं, इंटरनल 32 2GB, 128 2GB और 256 2GB है। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर नीड, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल है और फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा 7 मेगापिक्सल है। साउंड इज़ लाइक स्टीरियो स्पीकर्स हैं इसके, और इसके अलावा ब्लूटूथ वगैरह 4.2, GPS यस, NFC यस, रेडियो नो, USB लाइटनिंग, USB 2.0। फीचर्स में आपके पास फिंगरप्रिंट है, एक्सेलेरोमीटर है, गायरो है, प्रॉक्सिमिटी है, कंपास है और बैरोमीटर है। बैटरी आपके पास लिथियम आयन की बैटरी है। कलर्स आपके पास जेट ब्लैक, ब्लैक, सिल्वर, गोल्ड, रोज गोल्ड, रेड। सो ये अवेलेबल है, जैसे कि हमने अपने पिक्चर में भी देखे थे। सो ये हमारा आज का रिव्यू यहाँ पे थोड़ा ख़त्म होता है। बहुत अच्छा रिव्यू था और हमने एक बहुत अच्छा सजेशन हमें अपीरियंस के अंदर देखने को मिला, वो कि हमारे पास पावर बैंक का था और या तो आप रिप्लेसमेंट का था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू मे रिसीव द फ्यूचर अपडेट्स ऑफ द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस फॉर योर वेरी ओन चैनल, फॉर योर वेरी फेवरेट चैनल। बाय बाय।